नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: आटा आधा किलो, पानी हसबे जरूरत, आलू आधा किलो, प्याज 3-4 अदद दरमियाने साइज की, हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, हरी मिर्चें 5-6 अदद, तेल या घी हसब जरूरत, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया भुना कुटा 1 टीस्पून, जीरा भुना कुटा 1 टीस्पून, सौंफ भुनी कुटी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। तरकीब: सबसे पहले आप आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दें। जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक आप प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लें। अब आप चेक कर लें कि आपके आलू बॉयल हो गए हैं या नहीं। आलूओं को चेक करने के लिए आप इसमें छुरी डालेंगे और उसे चेक करेंगे। अगर आलूओं में कसर है तो आपकी छुरी अंदर नहीं जाएगी, रुक जाएगी। जब आपके आलू बॉयल हो जाए तो आप इसका पानी सारा फेंक दें और फिर इसमें ठंडा पानी डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि छिलका आसानी से और आराम से उतर जाए। जब आपके आलू उबल जाएं तो उन्हें छील लें और उन्हें मोटा मोटा मैश कर लें। अब इसमें आप हरा मसाला और तमाम पिसे हुए मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब आप आटे में 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल या घी डालकर आटे को हसबे जरूरत पानी से गूंध लें। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें और इसे रोटी की शक्ल में बेल लें। अब आप इस रोटी पर आलू का तैयार हुआ हुआ मिक्सचर अच्छी तरह फैला दें और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के चारों तरफ से इसके किनारे अच्छी तरह से प्रेस कर दें। फिर बेलन की मदद से इसे हल्का हल्का बेल लें। अब चूल्हे पे तवा गर्म करने के लिए रख दें और इस पराठे को तवे पे डाल दें। जब पराठा एक साइड से सिक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। जब इसकी दूसरी साइड भी सिक जाए तो आप इस पे ऑयल या घी डालकर इसकी दोनों साइड बहुत अच्छी तरीके से सेक लें। जब पराठा गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो आप इसे प्लेट में निकालें और चटनी, रायता, सलाद के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।